तो फ्रेंड्स फिर से एक बार गेट 2019 का क्वेश्चन है और ये गैस टरबाइन का क्वेश्चन है। और इस गैस टरबाइन के क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो है आइसेंट्रोपिक इफ़िशेंसी दी हुई है, ये दी है 0.70 मतलब 70% इफ़िशेंसी दी हुई है। और ऑपरेटिंग प्रेशर रेशो दिया है 3, प्रेशर रेशो कितना दिया है 3। एंड द प्रेशर रेशो ऑफ टर्बाइन इंक्रीज टू 5, मतलब पहले प्रेशर रेशो जो था वो 3 था और मतलब R1 अगर अपन माने तो वो 3 था और अगर ये इंक्रीज कर दिया गया प्रेशर रेशो 5 तक, ठीक है। और इसमें और क्या दिया है, ठीक है, मेंटेनिंग द इनलेट टेम्परेचर इज सेम, मतलब इनलेट टेम्परेचर टी इनलेट इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान इन्होंने क्वेश्चन में माना है। और उसके बाद एज्यूमिंग एयर एज अ परफेक्ट गैस एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो इज 1.4, मतलब गामा की वैल्यू दी है 1.4। इफ द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट रिमेनिंग द सेम फॉर बोथ द केसेस, मतलब जब वो 3 था प्रेशर रेशियो और जब वो 5 हो गया, इन दोनों केसेस में जो आपका स्पेसिफिक वर्क है वो आउटपुट है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट जो है वो सेम रहेगा अगर, ठीक है ना। सो द फाइंड द आइसोट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन एट द प्रेशर रेशियो ऑफ 5, मतलब 5 प्रेशर रेशियो पर इसकी आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी कितनी होगी ये पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें तो 0.7 दी गई है, ठीक है, व्हेन ऑपरेटिंग द एट द 3, मतलब 3 पर 0.7 है तो 5 पर कितनी होगी, 5 पर कितनी होगी, 5 अगर उसका प्रेशर रेशियो हो जाए तो कितनी आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी होगी, आइसेंट्रॉपिक एट 5 प्रेशर रेशियो, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम TS डायग्राम बना लेते हैं जैसे कि, और उसमें टर्बाइन की जो है प्रोसेसेस को शो कर देते हैं। तो हम ये TS डायग्राम बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ द T ऑर्डिनेट, दिस इज़ द S ऑर्डिनेट, दिस इज़ T एंड दिस इज़ S और दिस इज़ द P1, ये फर्स्ट प्रेशर है, दिस इज़ द P2, ठीक है, और दिस इज़ द टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, एक ही पॉइंट पर दोनों टर्बाइन का इनलेट है। तो दिस इज़ द 0.1, दिस इज़ द 2, दिस इज़ द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस, दिस इज़ द 2-, ठीक है। तो अगर हम देखें तो WD1, ये WD1 क्या है, ये WD1 है जब 3 प्रेशर रेशो जो दिया है ना, 3 प्रेशर रेशो उसका वर्डन है, तो ये हो जाएगा CP T1 माइनस T2-। अब इस T1 माइनस T2- हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल वर्डन मैंने निकाला है। अब इफिशियंसी क्या होती है, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी, एक्चुअल वर्डन अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्डन। तो इफिशियंसी क्या होती है, एक्चुअल वर्डन, मतलब T1 माइनस, ये आपको बहुत अच्छे से इनके फंडे क्लियर होने चाहिए, अपन आइसेंट्रोपिक वर्डन मतलब T1 माइनस T2, ये इफिशियंसी हो गई, ठीक है ना। तो ये इफिशियंसी हो गई, तो सीधी सी बात है कि T1 माइनस T2- क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू T1 माइनस T2। तो हम इसको लिख देते हैं फॉर्मूले में, कि इस फॉर्मूले में रख देते हैं WD1 के। तो WD1 फिर हम कैसे लिखेंगे, WD1 इक्वल टू CP ईटा T1 माइनस T2। तो ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें अपन क्या करें कि हमको मालूम है एक बात कि T1 by T2 के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि T1 by T2 क्या होता है, T1 by T2 क्या होता है, इक्वल टू R, मतलब प्रेशर रेशो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, प्रेशर रेशो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये प्रेशर रेशो कौन सा है, 3 जो प्रेशर रेशो है वो दिया है। तो इसमें से अपन इस वाली वन इक्वेशन में से अपन T1 अगर निकाल लें तो WD इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, WD इक्वल टू CP इफिशियंसी T1 ओके 1 माइनस T2 by T1, ये हो जाएगी। अब T2 by T1 की वैल्यू यहाँ से अगर अपन ने रख दिया तो 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WP इक्वल टू CP इफिशियंसी T1 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है।
तो ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई फाइनली। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि सेम टू सेम स्पेशल रेशियो जो है वो 5 होगा, तो 5 के लिए भी सेम यही इक्वेशन बनेगी और आरपी की जगह 3 की जगह 5 आ जाएगा, आरपी की जगह 3 की जगह 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मतलब WD2 मतलब 5 प्रेशर रेशियो के लिए वर्डन कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है ना इनपुट का, मतलब जो इनलेट का टेम्परेचर वो सेम है। तो CP एफिशिएंसी T1 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है ना, ये 5 होगा और यहाँ पर ये 3 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। तो अब अपन को करना है दोनों वर्डन को इक्वेट कर दो, WD1 इक्वल टू WD2 कर दो। तो WD1 इक्वल टू D2 कर दोगे मतलब इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग CP एफिशिएंसी T1 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा मतलब 3 की पावर वैल्यू रखी दो गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू CP एफिशिएंसी T1 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज 3 ओके 5 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T1 से T1 कट गया, ठीक है, ये एफिशिएंसी 1 थी, ये एफिशिएंसी 2 थी, क्योंकि एफिशिएंसी 1 और 2 में अंतर होगा ना, तो अपन को एफिशिएंसी 1 तो दी हुई है शायद, ये दिए 0.70 CP से CP कट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी 1.4 आप रख दोगे गामा की जगह सब जगह, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इफ़िशेंसी जो 5 प्रेशर रेशो वाली की इफ़िशेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5115। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस करते जाइए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं गेट के मैं मानता हूँ, ठीक है ना, बट प्रैक्टिस करने से बन जाएंगे। अप्रोच क्योंकि सेम है आप ये ध्यान रखिएगा, और मेरा वो जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, सीक्रेट्स ऑफ गेट, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।